जोहार फ्रेंड्स, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जोहार झारखंड स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आप सभी को एक माइनर मिस्टेक दिखाया था जिसमें काफ़ी छात्र गलती कर रहे हैं और उस गलती को लेकर मैंने सॉल्यूशन भी बताया था, लेकिन काफ़ी कमेंट आने लगे और जो आपने गलतियाँ की है, काफ़ी छात्रों ने गलतियाँ भी की है, तो बहुत सारे छात्रों ने कमेंट किया। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पूरा विस्तृत बता रहा हूँ डिटेल में कि आप अपनी गलतियों को कैसे सुधार सकते हो। जैसा कि आप सभी जानते हो कि 25 से 27 जुलाई आप कोई भी गलतियां हैं तो उसको सुधार कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो में मैं पूरा डिटेल बताऊंगा, उससे पहले चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि किन्हीं का भी गलती हुआ है तो वो सुधार कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, काफ़ी कमेंट आए हैं और मैं सभी का जवाब भी लेकर आया हूँ। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा तो वो सॉल्व हो जाएगा। देखिए दोस्तों, फ़ोटो जो अपलोड करेंगे वो अच्छा क्वालिटी में ज़रूर कीजिएगा। फ़ोटो आपका अच्छा क्वालिटी में होना चाहिए, जब आप प्रिंट करेंगे तो क्वालिटी दिखना चाहिए, ठीक है। चाहे कोई भी डायमेंशन में हो कोई दिक्कत नहीं है, बस अपलोड हो जाना चाहिए, ठीक है। वहाँ जो डायमेंशन दिया है उस पर भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 20 KB तक होना चाहिए, लेकिन क्वालिटी में होना चाहिए, इस बात को ध्यान दीजिए। और जब आप प्रिंट करते हो तो वो क्लियर दिखना चाहिए, ठीक है। अब एक छात्र ने दोस्तों कमेंट किया है कि सर, मैं ST हूँ और मुझे रेगुलर में भरना था या रेगुलर एंड बैकलॉग दोनों में। तो मैं आप सभी को बता दूं यहाँ पर रेगुलर उनके लिए है जो OBC और जनरल कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, या EWS में आते हैं। और यहाँ पर अगर आप बैकलॉग में भी फॉर्म भरना चाहते हैं तो रेगुलर एंड बैकलॉग बोथ भी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ ST SC कर सकते हैं। और अगर आप ST SC हैं और अगर आप बैकलॉग में नहीं भरना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बैकलॉग में मतलब बैकलॉग में वही भर सकता है जो ST SC कैटेगरी में आता है, यानी बैकलॉग में जो सीटें बच गई थी उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, किसी ने कमेंट किया था, किसी छात्र ने, तो मैं उसको बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब दोस्तों, यहाँ पर जो और कमेंट्स आ रहे हैं, देखिए मैं आपको बता दूं, जो मैं बता रहा हूँ ये चीज़ अगर समझ में आ रहा है तो इसको फॉलो कीजिए, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपने हिसाब से चलिए। देखिए, मैं यहाँ छात्रों के भविष्य के लिए और आपके एक एक गलती को बता रहा हूँ ताकि आपका आगे चल के कोई गलती नहीं हो, क्योंकि आप देख सकते हो वहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ, अगर थोड़ा सा भी गलती हुआ तो आप प्रॉब्लम में फंस सकते हो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अभी टाइम है तो आप सुधार सकते हो, ठीक है। देखिए, यहाँ पर मेंशन स्टेट लिखा है, यानी आपको मेंशन करना ज़रूरी है। और अगर आपको लगता है कि आप स्टेट मेंशन नहीं किए हैं तो भी ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप मत करो, उसमें मेरा क्या जाता है, मैं जो यहाँ है वही बता रहा हूँ। मेंशन स्टेट ऑल्सो, काफ़ी छात्रों ने कमेंट किया, करीबन 4000 लोगों ने 1 घंटे के अंदर देख लिया मेरे वीडियो को। तो दोस्तों, ये काफ़ी छात्रों ने गलती किया है और मुझे पता था, इसलिए मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। आपको लग रहा है कि नहीं सुधारे तो मत सुधारिए। देखिए, एक छात्र ने कमेंट किया है, मैं उसका भी कमेंट दिखा रहा हूँ। देखिए, वो क्या है कि देखिए, झारखंड 2000 से पहले क्या था, वो बिहार में ही आता था, ठीक है। तो 2000 से पहले उसने मैट्रिक इंटर किया तो उसका सर्टिफिकेट में तो बिहार लिखा है, तो उसको यहाँ पर क्या लिखेगी वो, यहाँ पर वो उसने कमेंट किया है कि मैं यहाँ पर झारखंड लिखूँ या बिहार। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, आप अगर इससे पहले बिहार में पढ़े थे, जब बिहार जब झारखंड में एक ही था, बिहार और झारखंड जब एक ही था, तो आप यहाँ बिहार दो, ठीक है, और झारखंड में यदि पास किए हैं तो झारखंड दो, इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं होना चाहिए। और इसीलिए झारखंड, ये जो JSSC की ऑफिशियल साइट में ये स्टेट मेंशन ऑल्सो इसलिए लिखा हुआ है, मेंशन स्टेट ऑल्सो इसलिए लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप अपने, आपको लग रहा है कि झारखंड देना है तो दीजिए, और नहीं है मन तो मत दीजिए। और मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके पास अभी टाइम है, 25 से 27 जुलाई को आप एडिट कर सकते हो, सिर्फ ईमेल और फ़ोन नंबर नहीं कर सकते हो, ठीक है, ईमेल और फ़ोन नंबर नहीं कर सकते हो। और देखिए, और एक छात्र ने कमेंट किया, सर सब्जेक्ट में क्या क्या लिखें। तो देखिए दोस्तों, मैट्रिक में तो आपको कुछ सब्जेक्ट नहीं डालना है, इंटर में आपको डालने बोला गया है तो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी है आपका, अगर हिस्ट्री कुछ भी है तो आप यहाँ पर सभी के जो शॉर्टकट होते हैं, शॉर्टकट वर्ड जो होते हैं सब्जेक्ट के, वो डाल दो, जैसे फिजिक्स का PHY, केमिस्ट्री का CHE, इस प्रकार से आप डाल दो टोटल, ठीक है। अब यहाँ पर काफ़ी छात्र कमेंट करते हैं, सर ग्रेजुएशन में कौन कौन से सब्जेक्ट डालें। तो देखिए, ग्रेजुएशन में आपके जो सब्जेक्ट हैं दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए, क्योंकि सेमेस्टर वाइज अगर आपने एग्ज़ाम लिखा है तो काफ़ी सब्जेक्ट्स होंगे आपके, तो यहाँ पर आप सिंपल सा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ सब्जेक्ट में सिर्फ आप जो ऑनर्स, जो भी ऑनर्स लेके पढ़े हैं वो लिख दीजिए, ठीक है, ऑनर्स इन फिजिक्स या फिजिक्स ऑनर्स या
मैथ ऑनर्स या हिस्ट्री ऑनर्स ऐसे करके आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप हिस्ट्री ऑनर्स किए हो तो हिस्ट्री ऑनर्स लिख दो, आपने हिंदी ऑनर्स किया है तो हिंदी ऑनर्स लिख दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ भी सबका डाउट क्लियर हो गया। अब चलते हैं दोस्तों मेन मुद्दे पे। यहाँ पर काफ़ी छात्र कमेंट कर रहे थे, यहाँ पर दोस्तों काफ़ी छात्रों का क्या हो रहा है कि जो सिग्नेचर अपलोड कर रहे हैं तो उसमें ब्लड आ जा रहा है। तो ब्लड आने का जो क्या कारण है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। देखिए ये एक मेरा दोस्त है विकास कुमार महतो, देखिए इसका फोटो ब्लड आया हुआ है, ठीक है, अभी हालांकि टाइम है, इसको सुधार दिया जाएगा। तो ये फोटो देखिए ब्लड है और यहाँ पर देखिए मेरा देखिए यहाँ पर सिग्नेचर पूरा क्लीन दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ सही तरीके से डाला है। इसने क्या किया है, फोटो जो था इसका अधिक डायमेंशन में था, यानी 600x400 रिजोल्यूशन में था, जिस कारण ये अधिक चौड़ा हो गया, जिस कारण यहाँ पर डाला गया तो ये थोड़ा सा फटा हुआ नज़र आ रहा है, पूरा क्लियर नहीं आ रहा है। लेकिन मैंने यहाँ क्या किया, जो डायमेंशन मांगा गया था आपको देखिएगा 135x110 ऐसे कुछ था, तो इस डायमेंशन में मैं जब फ़ोटो को डाल रहा था तो ये 10 KB से भी छोटा हो जा रहा था, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको सिंपली 200x110 में कर दिया, ठीक है, इतना रिजोल्यूशन में कर दिया। आप इसे कंप्यूटर पे करना, अच्छा क्वालिटी का फ़ोटो को जब आप छोटा करते हो तो वो अच्छा दिखता है, लेकिन आप जो क्वालिटी का जो ख़राब फ़ोटो है उसको अगर कम करते हो तो वो और ख़राब दिखेगा। इसलिए आप लोग 200x110 में करके देखो, ये आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर काफ़ी छात्र कमेंट कर रहे हैं, एक दो छात्र ने कमेंट किया, नहीं जो रिजोल्यूशन में दिया है वही डालना पड़ेगा, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा। ऐसा बात नहीं है बाबू, जब आप फ़ोटो डालते हो और यहाँ अपलोड हो जाता है और क्लीन दिख रहा है चाहे कोई भी डायमेंशन में, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ अपलोड हो जाना चाहिए, ठीक है, वो कि 10 KB तक होना चाहिए जो कि लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर मेरा जो सिग्नेचर है पूरा क्लीन है। एक लड़की ने कमेंट किया सर कि मेरा फ़ोटो ब्लर्ड हो गया है, क्या मैं बाद में इसे डाल सकती हूँ? जी हाँ, 25 से 27 जुलाई तक आराम से अच्छा क्वालिटी पे डाल दीजिएगा, ठीक है मैडम। आप क्या कीजिएगा कि 200x110 में आप रिजोल्यूशन चेंज कीजिएगा और डाल दीजिएगा, ठीक है, या आप नहीं जान रहे हो तो कंप्यूटर वाले को बोलिएगा कि इतना रिजोल्यूशन में कर दीजिएगा, ठीक है। बात यही है कि यहाँ पर कम रिजोल्यूशन में मांगा जा रहा है, आप कोई लंबा चीज़ को छोटा चीज़ में डाल देते हो तो वो सिकुड़ जाएगा ना, इसलिए वो कंप्रेस्ड होने से वो क्लीन नहीं दिखता है, लेकिन छोटा चीज़ को छोटा में डालोगे तो वो क्लीन दिखेगा। तो देखिए यहाँ मेरा पूरा क्लीन दिख रहा है, ठीक है। तो आप लोग ऐसा कर सकते हो, आपका जो प्रिंट आउट लेते हो उस टाइम आपका जो सिग्नेचर है क्लीन दिखना चाहिए, बस कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए, और भी छात्रों ने कुछ कुछ गलतियाँ की है, लेकिन ये मेन गलतियाँ थी जो मैंने आपको बता दिया। दोस्तों एक छात्र ने कमेंट किया था कि मैंने इग्नू से किया है ग्रेजुएशन तो मैं क्या डालूं? तो आप इग्नू से डालिए, यहाँ इग्नू जहाँ से भी किए हैं, इग्नू रांची से किए हैं तो इग्नू रांची डालिए, इग्नू जिस स्टेट से भी किए हो जहाँ से भी किए हो उसको डालिए, ठीक है, इग्नू रांची, इग्नू रामगढ़, इग्नू पलामू, जहाँ भी है आप उसको यहाँ पर डालिए, कोई दिक्कत नहीं। इग्नू से किए हैं तो इग्नू डालिए, ठीक है, किस स्टेट से किए हैं वो भी डाल दीजिए, ठीक है। इग्नू का तो कोई कॉलेज नहीं होता है, इसलिए आप इग्नू रांची ऐसे करके लिख दीजिए और इग्नू यहाँ पर लिख दीजिए, इग्नू रांची, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यहाँ छात्रों का कन्फ्यूजन हो रहा है जो इग्नू, अब इग्नू कौन कॉलेज होगा, तो यहाँ पर इग्नू रांची दीजिए, इग्नू में जो ब्रांच में आप करते हो, और यहाँ पर इग्नू दे दीजिए। रांची कहने का मतलब है आप जहाँ से कर रहे हो, यहाँ इग्नू रांची में भी है इसलिए मैं रांची बता रहा हूँ, और बोर्ड यूनिवर्सिटी में इग्नू दीजिए, क्योंकि इग्नू ही आपको सर्टिफिकेट देगा, और सब्जेक्ट्स में तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है क्या कुछ करना है, ठीक है। एक छात्र ने यह भी कमेंट किया था कि सर सिग्नेचर किस कलर में होना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, सिग्नेचर आपका ब्लैक या ब्लू कलर में होना चाहिए, ठीक है। आप सभी के प्रश्न जो हैं यहाँ पर मैंने उसके आंसर बता दिए हैं, सभी के सॉल्यूशन बता दिए हैं। यदि आपको समझ में आता है, आपको अच्छी लगे वीडियो, तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि कोई माताएं या बहनों को गलती नहीं हो, उसका सुधार कर लें। करीबन 6 लाख भरा जा चुका है और कटअप बहुत हाई जाने वाला है, इसलिए ध्यान से पढ़िए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर कर दें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड।